अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैनतारा। कौन हो तुम? खुशबख्त। हम आए हैं रात के 1 बजे और ये है सरदार जलाल हुसैन। ये हमारा व्लॉग व्लॉग में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम सब आए हैं पिज्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि आउट इंडोर बंद है तो हम बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, दूर से देखें, ये देखें हम स्टेयर पे बैठे हैं और शॉप बंद है और हमने पिज्ज़े का ऑर्डर किया हुआ है और आपको बताएंगे हमने पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे। कैसे खाएंगे? मुँह से बिस्ती हो गई मेरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, ये देखें। ये किसने लिया है? ये है मोहम्मद अली। अच्छा तो हम आप पिज़्ज़ा खाएंगे और ये खुशबख्त है और ये है। इसलिए खींचे तो जी, जैसे पिज़्ज़ा खाने लगे तो हमारे साथ जो एक मम्मी डैडी बच्चा है ना, वो रो रहा था कि जी हमें फोक एंड नाइफ चाहिए, क्योंकि वो तो इसके बिना खाते ही नहीं है। सो हम तो पेंडू बंदे हैं, हमने तो हाथ से खा लेंगे। तो जो फैंसी बच्चे हैं आजकल के, वो कह रहे जी हमें फोक और नाइफ चाहिए। तो हमने फिर उन होटल वालों से कहा, इल्तमास की कि प्लीज़ हमें एक या दो फोक एंड नाइफ दे दे। तो आपको रोला नज़र आ रहा होगा पीछे कितना पड़ा हुआ है। सदा क्या पी रहे हो? कोक। कोक अच्छी होती है? हाँ। मुझे लगता कोक अच्छी नहीं होती। अच्छी होती है, अच्छी। नहीं नहीं ना, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, बहुत अच्छी होती है। और ये खुशबख्त है। हाय खुशबख्त। पिज़्ज़ा कैसा था? अच्छा था। अच्छा था ना? बहुत मज़े का था। ये रोड भी है, ये देखो है। विक्ट्री तो बना दो। विक्ट्री विक्ट्री फैमिली विक्ट्री बुलाओ। कुछ पर कर दुपट्टा सही नहीं हो रहा ऐसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, साथ साथ शेयर भी करनी है। और जो न्यू यूज़र होंगे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सुधा कैसे सब्सक्राइब। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने सोचा कि कुछ चने वने ले लें, साथ लस्सी वगैरह ले लें, तो पाए ले लें। तो हम पहुँच गए यहाँ मुल्तान में, बड़ी फेमस जगह है एक, वहाँ से चने और लस्सी और क्या पाए शाये लेने के लिए। दाल मैंने बना ली थी, पराठे मैंने खुद ही बनाने हैं। तो यहाँ से हमने लिए चने और पाए। देखें माशाल्लाह से लोग इस टाइम सैरी की रौन के चेक करें, माशाल्लाह से। और यहाँ से ली हमें चाटी वाली लस्सी, आप भी ज़रूर पिएगा, सहरी में ज़रूर पिए ताकि उससे प्यास न लगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रमज़ान बहुत ठंडा गुजर रहा है, अदरवाइज़ जो है ना पहले गर्मी हुआ करती थी, बट इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मौसम सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने रोज़े बड़े आसान किए हुए। तो जनाब हमने यहाँ से ले लिए हैं लस्सी और चने एंड पाए। और मैं आपको दिखाऊं जाते जाते यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, क्योंकि पराठे तो मेरे ज़िम्मे हैं। सो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, पराठे भी बड़े मज़े के बन रहे थे। मैंने बहुत कहा कि ले लें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त पराठे हैं, देखें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं पराठे आपके हाथ के। सो चलो जी अब हम घर जाते हैं। और यहाँ पे लोग देखें लस्सी पी रहे हैं माशाल्लाह से। लो जी आप मेरे व्लॉग में आ गए, मुबारक हो आपको। कितने पराठे बना रही हो नैनतारा? 10 बना रही हूँ सबके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पराठे, 10 पूरे, 4 रोटियाँ बना रही हूँ, 10 पराठे। अच्छा आ रही है।
तो कैसा चल रही है सैरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा चलो। कितने पराठे बना रही हो नैन तारा? 10 बना रही। अच्छा। और 4 रोटियां। अच्छा, ये सारे मैंने बनाने हैं। 2-3 अस्सलाम वालेकुम, हम सब की तरफ से आपको रमजान की मुबारक हो। हमारी तरह से आपको अफ्तारी मुबारक हो। मुताबिक को थोड़ा खाना, थोड़े से नूडल, थोड़ा सा पास्ता, थोड़े से नूडल, थोड़ा सा पास्ता। अफ्तारी पे बुला लो। साली पुकावर, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की 11वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। बाय। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की 11वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम दोनों की तरफ से आपको रमज़ान की 12वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह के सामने झुको, वो कभी भी तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। हैप्पी रमजान एंड हैप्पी अशरा टू। नैन तारा, मेरे 3 पराठे बना देना। 2 बनाऊंगी बस। सिर्फ 2? नहीं यार, 3 बना दे प्लीज। इंसान अगर बना दूंगी 5 बना दूंगी। वीडियो बना रहे हो, ये होता है फायदा वीडियो का। मैं कहती हूँ कि कालियाँ शारता, मैं कहती हूँ कि कालियाँ शारता। रमज़ान की इफ्तारियों की बरकतें है ही है, लेकिन सहरियों की तो क्या ही बात है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा।